जी गुड मॉर्निंग एवरी वन मित्रों लिखा कर रहा था गो लाइव एक कॉमेंट आया हांजी एक बार ये बता दीजिए कि आवाज अन्नू आप लोगों को ठीक से आ रही कि नहीं आ रही उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की प्रीतम राइडर अनु वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन ओके चलिए ओके तो फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को कल मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में लगभग चीजें जो है करवा दी थी और अब जो कोडिंग डिकोडिंग मैं आपको करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को मैट्रिक्स ठीक है क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है वो कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट होता है और आपके जितने भी एग्जाम्स है एसएससी के जो भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाता है जिस तरीके से आपका दिल्ली पुलिस है एमटीएस या सीएचएसएल या फिर सीजीएल सीपीओ सभी में क्या होता है मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है यानी कि दो नंबर का एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है जिस भी बच्चे ने मैट्रिक्स पहले नहीं पढ़ रखा वो सभी समझ लीजिए मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करना है ठीक है देखिए देखो फिर एक मैट्रिक्स आप लोगों को दे रखी है मैट्रिक दो मैट्रिक्स आपको दी जाएगी मैट्रिक्स वन और मैट्रिक्स टू यहां पर मैं बना लेता हूं मैट्रिक्स वन ये है भाई आपकी मैट्रिक्स वन ठीक है इस तरीके से जीरो एक दो तीन और चार ठीक है ऐसा यहां पर मिलेगा जीरो एक दो तीन और ये हो गया चार इसके अंदर अल्फाबेट आपको दिए गए हैं अल्फाबेट में जो सबसे पहले एफ ओ एम एस आर दूसरी तरफ एस आर एफ ओ एम थर्ड में ओ एम एस आर एफ फोर्थ में आर एफ ओ एम एस और फिफ्थ में एम एस आर एफ ओ ये है आपकी मैट्रिक्स वन ठीक है इसके जैसी दो मैट्रिक्स आप लोगों को दी जाएगी ये है मैट्रिक्स वन और यहां पर दी जाएगी मैट्रिक्स टू ठीक है देखो और ये जो है ना फरी का नंबर होता है दो और जिसको नहीं पता ना वो इसमें गलती करके ही करके आते हैं ठीक है नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट में जो दे रखा आप लोगों को अब नंबर पांच से शुरू हो गया पांच छ सात आठ और नो ऐसा यहां पर पांच छ सात आठ और नौ ठीक है ये ऊपर वाला कॉर्नर क्या करना है इसको खाली छोड़ देना है ठीक है अब इसमें दे क्या रखा है आप लोगों को इसमें दे रखा है ए पी डी आई पी ठीक है और फिर दे रखा है आई पी ए टी डी फिर उसके बाद टी डी आई पी ए लास्ट पी ए टी डी और आई नेक्स्ट में है डी, आई पी, ए टी ठीक है ये आप लोगों को क्या दे दी गई दो मैट्रिक्स आप लोगों को दे दी गई इसको बोलेंगे मैट्रिक्स वन और ये क्या है आपकी मैट्रिक्स टू है ठीक है मैट्रिक्स वन हो गई और मैट्रिक्स क्या हो गई टू अब इन दोनों के बेस पर क्या करना है आप लोगों को एक वर्ड ढूंढना है जो आप लोगों को दिया जा जाएगा ठीक है बगैर ऑप्शन के हम लोग इस क्वेश्चन को जो है नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन इसके लिए जरूरी रहेंगे ठीक है और जिस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया क्या कि एफ ए आर एम इस वर्ड को ढूंढिए एफ ए आर एम इस वर्ड को ढूंढिए लेकिन अगर हम इसमें एफ ढूंढने लग जाए तो एफ तो क्या है इसमें पांच एफ है A क्या है ए भी पांच मिलेंगे उसी तरीके से आर भी पांच मिलेंगे और एम भी पांच मिलेंगे लेकिन हमें क्या करना है प्रोपर एक फॉर्म वर्ड को ढूंढना है एफ ए आर एम और ऐसा क्वेश्चन बगैर ऑप्शन के होगा नहीं ठीक है लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो इसकी बड़ी लंबी सी स्टेटमेंट दी जाएगी और इतनी लंबी स्टेटमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली ठीक है देखो सिंपल आप लोग क्या रखोगे ऑप्शन दे दी मैंने इसके ए ऑप्शन है क्या जीरो जीरो नौ आठ दो तीन तीन चार बी ऑप्शन दिया एक दो छ सात जीरो चार तीन चार सी ऑप्शन में चार तीन छ सात एक एक तीन तीन और डी ऑप्शन में डी ऑप्शन में दे दिया गया दो चार छ सात एक एक और चार एक ठीक है तो इन वर्ड्स का इन डिजिट का प्रयोग करते हुए क्या करना आप है आप लोगों को यह वाला वर्ड ढूंढना जिसमें है है एफ ए आर एम जिस पर आए ठीक तो आप लोग एक चीज देखोगे कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आपका आ रहा है ये क्या रहा है? आ रहा है कोलम आ रहा है ठीक है और ये जो यहां से जा रहे हैं साइड से इसको क्या बोलेंगे रो तो एक आपके पास कोलम है और दूसरा क्या है आपके पास रो है और यहां पर देखोगे आप लोग जहां पर भी डिजिट दे रखे ना दो दो डिजिट दे रखे जीरो नौ आठ दो तीन तीन चार तो यहां पर जो भी डिजिट आपका दे रखा है जैसे आपने मान लिया कि आपका जो डिजिट दे रखा है वो दे रखा है जीरो जीरो तो जीरो जीरो में आप लोग क्या याद रखोगे पहला जो डिजिट है वो है रो का और दूसरा जो डिजिट है वो किसका है कॉलम का है इतना याद रखो कि पहला डिजिट तो है रो का और दूसरा डिजिट किसका है

एफ है ए है ये बिल्कुल सही है उसके बाद तीसरे पर हम जाएंगे दो रो का है और तीन किसका है कोलम का तो दो रो की तरफ से तीन कोलम की तरफ से दोनों जहां पर मिले वहां पर क्या मिला आर जबकि यहां पर भी क्या है आर है तो ये भी क्या है सही है उसके बाद तीन और चार तीन कहां से रो से और चार कहां से कोलम से क्या मिला एस हमें क्या चाहिए एम तो ये क्या हो गया पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया ठीक है तो पहला ऑप्शन हो गया भाई गलत कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा अपनी तरफ से मतलब ज्यादा होशियारी मत करना कि सर मैं तो पीछे से करके देख लेता हूं क्या होता पहला ही हो अक्सर ना मिले पीछे से और वहीं पर गलत हो जाएगा ऐसा नहीं होता भाई ठीक है तो दूसरे में एक दो एक का दो कोलम का दोनों कहां पर मिले एफ पर फिर छह सात रो का और सात कोलम का दोनों जहां पर मिले क्या है ए है उसके बाद जीरो चार जीरो रो का और चार कॉलम का फिर से क्या मिल गया आर ठीक है और तीन चार तीन चार पहले आपको पता है क्या आएगा एस तो यहां पर भी क्या आ गया एफ ए आर एस आ गया तो यह भी क्या रह गया गलत रह गया ठीक है तो दूसरा भी क्या है गलत तीसरे में चार रो से तीन कॉलम से क्या मिला एफ छह रो से सात कॉलम से क्या मिला ए दोनों तरफ से एक एक क्या मिला आर दोनों तरफ से तीन तीन क्या मिला एम तो एफ ए आर एम ये इसके साथ मैच हो रहा चौथी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है और डी को चेक करने आपको नहीं है वो पक्का क्या मिलेगा आपके लिए गलत ही मिलेगा ठीक है इतना सा क्वेश्चन होता है ये और इतने से क्वेश्चन क्या है फ्री के आपको नंबर मिलेंगे ठीक है और इतने से क्या मिलेगा आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे नाइनटी एट पे अनु क्या है देखो नौ no, और ऊपर से आठ यही तो है ठीक है नेक्स्ट तो ऐसा क्वेश्चन कर लेना एक क्वेश्चन और देता हूं आपका मैट्रिक्स ये रहेगी ऑप्शन चेंज हो जाएंगे ठीक है मैट्रिक्स यही है, ऑप्शन आपके चेंज देखो भाई एक क्वेश्चन और देखो बस इसके अलावा कुछ समझने की जरूरत नहीं इसमें इतने सही हो जाएगा ये देखो फिर अब इसमें क्या रखा है एक क्वेश्चन और है अब अब की बार आप लोगों को जरूर ना वो बाद में बताऊंगा पहले मैं ऑप्शन दूंगा आपको दस तेरह सड़सठ अठावन बी ऑप्शन है बाईस जीरो एक पचपन छियासठ सी ऑप्शन है चौतीस बत्तीस सेवनटी नाइन सेवनटी सिक्स और डी ऑप्शन है फोर्टी वन फोर्टी फोर नाइनटी एट और नाइनटी नाइन ठीक है आपको जो, जो वर्ड ढूंढना वो ढूंढना है क्या एस एच ओ पी ये वाला वर्ड ढूंढो भाई एस एच ओ पी कौन से ऑप्शन में सही है एस एच सॉरी एस ओ ए पी एच तो इसमें है नहीं भाई ये मैंने गलती से लिख लिया एस ओ ए पी एस ओ ए पी नाम का जो वर्ड है वो ढूंढी ठीक है एच तो इसमें था नहीं ढूंढो भाई ए पी को चाह निकालो जल्दी से एग्जाम में इतनी देर लगेगी नहीं आपकी फिर बी किरण अनु स्ट्रगलर सभी का क्या आ रहा है बी ही आ रहा है तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है इसमें कुछ नहीं होता ठीक है देखो भाई और फरी के नंबर है कोई भी इसको एग्जाम में गलत मत करके आ जाना है पहले क्या है एक जीरो एक पहला डिजिट होगा रो का दूसरा डिजिट किसका होगा कोलम का एक और जीरो जहां पे एक और जीरो आगे मिले क्या है आर है तो पहला हमें क्या चाहिए एस चाहिए ठीक है लेकिन यहां पर क्या मिला एक और जीरो से क्या मिला अच्छा एक और जीरो एस मिल गया फिर एक और तीन क्या मिला ओ फिर छत छ सात क्या मिला ए और उसके बाद पांच और आठ पांच आठ क्या मिला आई चाहिए क्या था पी तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया ठीक है दूसरे ऑप्शन पर आए दो दो क्या मिला एस जीरो एक ओ पांच पांच ए छ क्या मिला पी एस ओ ए पी मैच हो रहा तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही सी और डी चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है अपने आप ही क्या मिल जाएंगे गलत मिल जाएंगे ठीक है कर लोगे तो ये था भाई आपका एक नॉर्मल सा चैप्टर मैट्रिक्स ये अलग से चैप्टर दे रखा होता बुक में लेकिन एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है इसी में इंक्लूड कर लो इसको ठीक है नेक्स्ट आगे देखिए इसके बाद फिर आगे करते हैं नई चीजें यहां तक बताइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा